जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दूध हमारा शाम को आता है पैकेट वाला, और जो दूध हम लेते हैं दोपहर में उसमें तो मलाई बिल्कुल नहीं निकलती, लेकिन जो पैकेट वाला लेते हैं उसमें काफ़ी मोटी मलाई निकल आती। तो हम दूध को पका करके फ्रिज में रख देते हैं। जब दूध हमारा ठंडा हो जाता है, इसके बाद ये 4-5 दिन की मलाई जब इकट्ठा हो जाती है तो कैसे मथनी में मथ के और निकाल लेते हैं घी। तो अभी हम इसको मथ के छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद मथेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखा था तो काफ़ी ठंडा है। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बच्चों के लिए आज हमने नाश्ते में क्या तैयार किया है। तो चिप्स और पापड़ और मनु गोविंद लगे हैं, और लोगों का दूध भी हमने तैयार कर दिया। अब चल रहे हैं ऊपर, और यहाँ पर हमने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लिया। अब माता रानी के मंदिर में आ गए हैं, तो यहाँ पर जोत में डाल देते हैं घी। और घी डालने के बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ 10:30 बजे का टाइम है, तो सासू माँ भी अभी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं और कृष्णा बाबू भी ऑनलाइन क्लास में आगे बैठे हुए हैं। और भगवान जी का मंदिर कितना अच्छा सजा है, आप लोगों को रोज़ दर्शन कराते हैं। और यहाँ देखिए बाहर आ गए हैं, तो गमले कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फूल निकले हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी कितनी तेज़ धूप रहती है, लेकिन 3 टाइम पानी डालने से हमारे पौधे कितने हरे भरे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी बागवानी, हमारे पौधे फूल कितने प्यारे प्यारे आप लोगों को अच्छे लगे हैं कि नहीं। तो चलिए आगे मिलते हैं। और गेहूं भी हमने निकाल के रख लिया, लेकिन अभी नहीं धुलेंगे, काफ़ी तेज़ धूप है। अब हमारा मक्खन जो हमको निकालना था वो काफ़ी गर्म हो गया, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना काफ़ी ठंडा रहता है तो थोड़ी टाइम लगता है। और यहाँ पर देखिए कितनी हमारी मलाई मक्खन निकल आया, और काफ़ी जैसे गाँव में निकालते वैसे निकल आया। तो चलिए पका लेते हैं घी, और घी पकाने के बाद डिब्बे में इसको रख देते हैं, क्योंकि रोज़ अखंड जोत के लिए हम घर का ही घी तैयार करते हैं। और 4-5 दिन में तो बता ही दिए कि हमारी मलाई तैयार हो जाती है। तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। और ये घड़े में कितना प्यारा सा हमारे यहाँ घड़ा आया है, छोटा सा, ये लाए हैं क्योंकि फ्रिज का पानी ये बिल्कुल नहीं पीते। और वैसे भी गाइस, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी बहुत ही नुकसानदेह है। आप लोग भी घड़ा ही घर में रख लीजिए। और यहाँ पर हम ऊपर के बाथरूम में आ गए, तो बच्चों के धुल करके डाल देते हैं कपड़े, क्योंकि ये काफ़ी 10:30-11 बजे तक नहाते हैं तो इन लोगों के कपड़े पड़े रहते हैं। तो ये तो गाइज रोज़ के काम है, व्रत में भी, घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं, हाउसवाइफ में तो ये सब करना ही करना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि मीना कूट रहे सिंघाड़ा, तो हम सिंघाड़ा कूट करके और मिक्सर में पीस करके ही सिंघाड़े का हम जो पूड़ी और हलवा बनाते हैं, हम लोग बाहर से कूटू का आटा बिल्कुल नहीं लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे दोपहर में खा रहे हैं खाना, और हम लोगों का भी हो रहा है फलाहार। तो यहाँ पर आलू तल के बना है, और चाय और मट्ठे की लस्सी भी एक बार बन गई है। और अभी 3 बजे, यहाँ 3:30 बजे तक फिर से मट्ठे की लस्सी बनेगी, तो लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से, लस्सी के साथ में ही मिलते हैं कि शाम को हम कैसे बनाते हैं लस्सी, तो आप लोगों को दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम मट्ठे की लस्सी कैसे पूरे बना रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचेंगे कि शुक्रवार को भी हम दही यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ये सब नहीं मानते हैं। शुक्रवार का अगर व्रत रहते हैं तो खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, बट व्रत में तो दही लस्सी तो पी ही सकते हैं। तो यहाँ पर सासू माँ इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी लस्सी बनाओ, और लस्सी बैठ करके पीते हैं। तो वैसे सभी लोग सो करके जग गए हैं, और इतनी समय तो लस्सी पीने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। तो सब ऊपर नीचे से सब इकट्ठा हो रहे हैं, और हम बना देते हैं लस्सी। तो आप लोग भी आ जाइए, 3:30 बजे की लस्सी सब लोग साथ में पीते हैं। और आगे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सब लोग कैसे आ भी गए हैं, और सब पूरे जीने में लाइन लगा करके बैठ भी गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने कैमरा उधर ही कर लिया और आप लोगों को भी दिखा दिया। और इन लोगों को पता नहीं है कि हम इन सबको दिखा रहे हैं।
अब आप लोग देख सकते हैं कि शाम के हमारी खाने की भी तैयारियां शुरू हो गई। तो अरहर की दाल बीन के रख दिए, चावल बीन के रख दिए, यहाँ पे पक रही चाय। अब बच्चों के लिए तैयार कर दिए हैं मैगी, और दाल को धुल करके रख देते हैं पकने के लिए। अब थोड़ी कर लेंगे बच्चों को देने के बाद मैगी, कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि दोपहर में लोग खाना खाते हैं तो पूरा जूठा जूठा हो जाता है। तो आप लोगों से बताएं गाइस कि इस समय हमको 3 टाइम पोंछा लगाना पड़ता है, क्योंकि माँ के भवन में व्रत में तो साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर हमने थोड़ा फास्ट कर दिया था वीडियो को। अब दोनों देवरानी जेठानी हम लोग लग गए हैं गेहूँ धुलने में, तो आप लोग देख सकते हैं। और टाइम 4:30 बज रहे हैं। अब धूप काफ़ी कम हो गई थी, इसीलिए छत में अब गेहूँ धुल लेते हैं, क्योंकि इस समय इतनी धूप होती है। और अभी जाना है छत की धुलाई भी करना है, तो अब आ गए हैं गेहूँ लेकर के ऊपर, और पानी डाल डाल कर छत की धुलाई भी कर लेते हैं। और इस समय टंकी में पानी हमारे बहुत ही कम है, और इस समय धूप में और हवा इतनी चलती है तो छत अपनी पूरी गंदी हो जाती है। तो जब आप गेहूं डालोगे तो छत की धुलाई तो ज़रूरी है करना। तो यहाँ पर छत की धुलाई करने के बाद और गेहूं भी हमारा पड़ गया, और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए गेहूं। और टाइम काफ़ी हो रहा है, तो इस समय तो छत में काफ़ी अच्छा लगता है। छत में अगर आ जाओ तो नीचे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब चलना है। अब हम लोगों का नहाना धोना शुरू होगा, इसके बाद आप लोगों को इनको भी थोड़ा दिखा रहे हैं। बाहर आ गए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हेलमेट भी नहीं उतारे हैं, और रैबिट के लिए क्या निकाल रहे हैं, घास निकाल रहे हैं। कितने कामकाजी हैं हमारे पति देव, तो आते ही काम में लग गए हैं। तो चलिए अब नहाने के बाद, तैयार होने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अब हम तैयार हो गए हैं, और पूरा दिन, शुक्रवार को तो दिन था लेकिन हम लाल लाल चुनरिया नहीं पहने थे, तो आप लोग देख सकते हैं अब हम पहन लिए हैं लाल चुनरिया। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली जिसे पहन के आई है माशेरा वाली, लाल लाल चुनरी। तो आप लोगों को हमने गाना भी सुना दिया, अब चल रहे हैं शाम की आरती पूजा में हाजिर होते हैं। और इसके बाद आज सोच रहे हैं कि नाच करके आप लोगों को थोड़ा माता रानी थिरक के दिखाएंगी, और मन कर रहा है कि आज भजन, भजन तो ऐसे है डेली 5 भजन होते हैं, पर आज आप लोगों को भजन नहीं सुनाएंगे, थोड़ी से नाच करके ही दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब ऊपर आप लोगों से माता रानी के भवन में। Thank you.
हम आ गए नीचे और टाइम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि 9:30 बजने वाले हैं और इन लोगों को चुन्नू मुन्नू को बैठा गए थे पढ़ाई के लिए, तो ये लोग पढ़ाई काफ़ी कर लिए हैं, 4-4 पेज हिंदी इंग्लिश इनको लिखने के लिए दे गए थे कि जब तक हम करेंगे पूजा पाठ तब तक तुम दोनों को पढ़ाई करना, और कृष्णा तो ऊपर ही बैठे हुए थे। तो अब हम सोच रहे हैं कि यहीं पर वीडियो का एंड भी कर रहे हैं और चल रहे हैं फलाहार में क्या बना है। तो माता रानी अब फलाहार भी कर लेती हैं भोग लगा करके, और टाइम काफ़ी हो रहा है, और ये भी अंदर कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। तो इनको तो हम चाय पानी दे के गए थे, तो वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।